हम पानी क्यों ना पिए खाने के बाद, क्या कारण है? बात ऐसी है कि हमारा जो शरीर है, ये शरीर का पूरा केंद्र है हमारा पेट। ये पूरा शरीर चलता है पेट की ताकत से, और पेट चलता है भोजन की ताकत से। जो कुछ भी हम खाते हैं वही हमारे पेट की ताकत है। हमने दाल खाई, हमने सब्जी खाई, हमने रोटी खाई, हमने अचार खाया, दही खाया, लस्सी पिया, कुछ भी, दूध, दही, छाछ, लस्सी, फल आदि, ये सब कुछ भोजन के रूप में हमने ग्रहण किया। ये पेट को ऊर्जा देता है और पेट उस ऊर्जा को आगे के लिए ट्रांसफर करता है। आप कुछ भी खाते हैं, सब कुछ पेट आपके लिए ऊर्जा का आधार बनता है। अब हम खाते हैं तो पेट में सब कुछ जाता है। पेट में एक छोटा सा स्थान होता है, उसको हम हिंदी में कहते हैं आमाशय, और उसी को अंग्रेजी में कहते हैं एपिगैस्ट्रियम। आमाशय, जठर, एपिगैस्ट्रियम, ये एक ही स्थान के तीन नाम, एक अंग्रेजी में है, एक संस्कृत में है, एक हिंदी में। ये स्थान हमारे शरीर का सबसे महत्व का स्थान है, एपिगैस्ट्रियम या आमाशय या जठर, क्योंकि सारा खाना इसी में आता है। ये थैली की तरह से होता है, बहुत छोटा स्थान है, इसमें अधिक से अधिक 350 ग्राम खाना आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आ सकता बड़े व्यक्ति। तो हम कुछ भी खाते हैं सब कुछ ये आमाशय में आ जाता है। अब आमाशय में क्या होता है, खाना जैसे ही पहुंचता है, ये भगवान की व्यवस्था है जो शरीर में है, तुरंत इसमें आग जल जाती, अग्नि। आमाशय में अग्नि होती है, उसी को कहते हैं जठर अग्नि, मिला के बोलते हैं जठराग्नि। ये जो जठराग्नि है, ये आमाशय स्थान में प्रदीप्त होने वाली अग्नि है, आग है। ये आग ऐसी ही होती है जैसे रसोई गैस की आग, आपकी रसोई गैस है ना, एलपीजी सिलेंडर से जो कनेक्टेड है इसको, आपने स्विच ऑन किया, आग जल गई, ऐसे ही पेट में, जैसे ही आपने खाना खाया तुरंत आग जल गई, ये ऑटोमेटिक। रोटी का पहला टुकड़ा आपने मुंह में डाला, इधर आग जली, जठर। ये अग्नि तब तक जलती है जब तक खाना पचता है, डाइजेस्ट। आप खाना खा रहे हैं, अग्नि जल गई, अब अग्नि खाने को पचाती है, डाइजेस्ट कराती है। मैं घटाघट पानी पी लिया और खूब ठंडा पानी पी लिया, और कई लोग तो बोतल पे बोतल उतार दिया। अब होने वाला एक ही काम है, जो आग जल रही थी वो बुझ गई। आग अगर बुझ गई तो खाने के पचने की जो क्रिया है वो रुक गई। अब हमारे पेट में दो ही क्रियाएं होती है खाने के पचने में, एक क्रिया है जिसको हम कहते हैं डाइजेशन, दूसरी है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब है सड़ना, और डाइजेशन का माने है पचना। अगर आग जलेगी तो खाना पचेगा, खाना पचेगा तो उसका रस बनेगा, आयुर्वेद के हिसाब से बोल रहा हूं। आपकी आग जलेगी, खाना पचेगा, खाना पचेगा तो रस बनेगा, जो रस बनेगा तो उसी रस में से मांस बनेगा, मांस जिसको आप फ्लैश कहते हैं, उसी रस में से मज्जा बनेगी, फिर उसी रस में से रक्त बनेगा, ब्लड, फिर उसी में से वीर्य बनेगा, फिर उसी में से हड्डियां बनेगी, बोन्स, फिर उसी में से मल बनेगा, एक्सक्रीटा, स्टूल, फिर उसी में से मूत्र भी बनेगा। तो मांस, मज्जा, रक्त, वीर, मल, मूत्र, अस्थि, और सबसे अंत में मेद बनेगा। ये कब होगा? जब खाना पचेगा तब। खाना जब हजम होगा, पचेगा तो रस बनेगा, रस में से मांस, मज्जा, रक्त, वीर, मल, मूत्र, अस्थि, मेद बनेगा। मल मूत्र की जरूरत नहीं है, शरीर उसको छोड़ देगा, बाकी सब चीजों की जरूरत है, शरीर उसको धारण कर लेगा। ये एक है। दूसरी तरफ क्या होगा, आग नहीं जलेगी, आपने घटाघट पानी पी लिया तो वही खाना सड़ेगा, और सड़ने के बाद उसमें से जहर बनेंगे। तो सबसे पहला जहर जो बनता है खाना सड़ने के बाद, उसका नाम है यूरिक एसिड। कई बार आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, आप कहते हैं मुझे ये तकलीफ, मुझे वो तकलीफ, तो डॉक्टर तुरंत डायग्नोसिस करके कहता आपको यूरिक एसिड बन रहा है, तो वो आपको कहता ये दवा खाओ, ये दवा खाओ, ये दवा खाओ, ऐसे खाओ, वैसे खाओ, यूरिक एसिड कम करो। ये विष है यूरिक एसिड, और ये इतना खतरनाक विष है कि अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया या बंद नहीं किया तो ये आपके शरीर को उस स्थिति में ले जा सकता है कि आप एक कदम भी चल ना सके, टोटली
टोटली बेड रिडन हो जाए, बिस्तर पे ही आपको पड़ा रहना पड़े, पेशाब भी बिस्तर पे निकले और आपको संडास भी बिस्तर पे ही करनी पड़े, यूरिक एसिड इतना खतरनाक है, वहां तक लेके जाता है। तो इसलिए खराब विषय, अच्छा नहीं है, नहीं बनना चाहिए। और एक उदाहरण देता हूं, जब खाना सड़ता है तो यूरिक एसिड जैसा ही और एक विष बनता है शरीर में, उसी को कहते हैं LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, माने खराब कोलेस्ट्रॉल। डॉक्टर अक्सर आपको कहता है, आप जाते हैं ब्लड प्रेशर चेक कराने, डॉक्टर कहता है हाई बीपी है, फिर आप पूछोगे कारण बताओ, तो कहेगा आपको कोलेस्ट्रॉल बहुत है। तो कोलेस्ट्रॉल कौन सा बहुत है, आप और ज्यादा डीप पूछेंगे तो कहेगा LDL बहुत है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और इससे भी ज्यादा खराब और एक विष है, वो है VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये भी कोलेस्ट्रॉल जैसा ही विष है। अगर VLDL बहुत बढ़ गया तो भगवान भी नहीं बचा सकता, कितनी खराब स्थिति है शरीर। और एक उदाहरण देता, खाना जब सड़ता है पेट में तो इसी में से कुछ और भी जहर बनते हैं, उन जहर के कुछ नाम हैं, अंग्रेजी में हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। डॉक्टर आपको डायग्नोस करके कहता है कि आपका ट्राइग्लिसराइड्स बहुत बढ़े हुए हैं, समझ लीजिए विष निर्माण हो रहा है शरीर में। तो कोई यूरिक एसिड के नाम से कहे, कोई कोलेस्ट्रॉल के नाम से कहे, कोई LDL के नाम से, VLDL के नाम से कहे या ट्राइग्लिसराइड, समझ लीजिए ये सब विष हैं। और ऐसे विष 103 हैं, मैंने आपको 4-5 नाम लिए। ये सारे विष तब बनते हैं जब खाना नहीं पचता, खाना सड़ता है। मतलब समझ लीजिए किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो एक ही मिनट में ध्यान आना चाहिए खाना पच नहीं रहा है। कोई कहता है मेरा ट्राइग्लिसराइड्स बहुत बढ़े हुए हैं तो एक ही मिनट में डायग्नोस कर लीजिए आपके खाना पच नहीं रहा है। कोई कहता है यूरिक एसिड बढ़ा हुआ तो एक ही मिनट आपको लगना चाहिए ये समझने में खाना पच नहीं रहा है, क्योंकि खाने के पचने पर इनमें से कुछ नहीं बनता। खाने के पचने पर बनता है मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य, मल, मूत्र, अस्थि, मेद, ये सब पचने पर बनता है। नहीं पचने पर क्या बनता है, यूरिक एसिड, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, LDL, VLDL, ये सब बनते हैं और यही आपको रोगों का कारण बना देते हैं, माने आपके शरीर को रोगों का घर बना देते हैं। तो हमें ध्यान किस बात पर देना है, जिंदगी में सबसे ज्यादा ध्यान ये देना है कि जो हम खा रहे हैं वो पूरा ठीक से पचना चाहिए, और खाना ठीक से पचना चाहिए इसके लिए पेट में आग जलनी ही चाहिए, क्योंकि बिना आग के खाना पकता नहीं है और पचता भी नहीं। तो महत्व की बात है खाना खाना नहीं, महत्व की बात है खाने को पचाना। आपने क्या खाया, कितना खाया, ये इमेटीरियल है। कोई कहता मैंने 100 ग्राम खाया, कोई 200 ग्राम, कोई 500 ग्राम, ये इमेटीरियल है। पचाया कितना उसमें से, वो मटीरियल है, वो महत्व का है। आपने 100 ग्राम खाया और 100 ग्राम पचाया, बहुत अच्छा है, और 200 ग्राम खाया और सिर्फ 100 ग्राम पचाया, बहुत बेकार है, आपका रिपोर्ट कार्ड बहुत खराब है। 500 ग्राम खाया और उसमें से 200 ग्राम भी पचा नहीं सके तो बहुत खराब है। अगर 100 ग्राम खाके 200 ग्राम खाके पूरा पचा लिया तो बहुत अच्छा आपका रिपोर्ट कार्ड है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि खाना खाना महत्व का नहीं, खाने को पचाना, और खाने को पचाने के लिए महत्व की चीज है अग्नि। तो अग्नि जलेगी तो खाना पचेगा, इसका मतलब खाना खाते ही पानी नहीं पिएंगे तभी अग्नि जलेगी, तभी खाना पचेगा, तभी उसमें से मांस, मज्जा, रक्त, वीर, मलमूत्र बनेगा। तो ये सूत्र दिया गया, खाना खाते ही तुरंत पानी नहीं पीना,